डियर फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले वालेकुम डियर व्यूवर्स मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं मल्टी हैथ कामरान कैसे हैं डियर व्यूवर्स उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे डियर व्यूवर्स आज मैं आप लोगों के लिए क्लिनिकल पैथोलॉजी के एमसीक्यूज लेकर आया हूं जिसमें हम आज स्टूल और यूरिन के चैप्टर को कवर करेंगे डियर व्यूवर्स आप भी एक कलम और कागज़ उठा लें और मेरे आंसर बताने से पहले आप आंसर को गेस करें और अपने साथ पेज पर नोट करें और मुझे आप बताएं फिर कमेंट सेक्शन में कि आपका स्कोर क्या रहा तो बेसिक और बेस्ट एम सी को मैंने इंक्लूड किया है और यकीनन ये, ये आपके हर तरह के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे तो चलते चलते हैं स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी के एम फर्स्ट नंबर एम जो है वो है स्टूल सैंपल इज कलेक्टेड ब्लैंक स्टूल सैंपल को किस वक्त कलेक्ट होना चाहिए या करना चाहिए ऑप्शन ए रैंडमली बी ऑन फास्टिंग सी एट नाइट डी अर्ली मॉर्निंग द राइट ऑप्शन इज रैंडमली स्टूल सैम्पल इज कलेक्टेड रैंडमली एम सी क्यू नंबर टू इज इन्फेंट स्टूल्स आर कलेक्टेड फ्रॉम ब्लैंक इन्फेंट स्टूल हम किस तरह से कलेक्ट करते हैं ऑप्शन आर ए डाइपर बी डायरेक्टली सी रेक्टल स्वेप डी नन एंड द राइट ऑप्शन इज ए इनफेंट स्टूल्स आर कलेक्टेड फ्राम डाइपर एम सी क्यू नंबर थ्री इज वाम स्टूल्स आर बेटर फॉर दी ब्लैंक वाम स्टूल अगर कलेक्ट किए जाएं तो ये किस चीज़ की माइक्रोस्कोपी के लिए बेस्ट रहते हैं दप्शन इज ए ओवा एंड पेरासाइट बी वायरसेस सी बैक्टीरिया डी टिक्स एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए वाम स्टूल्स आर बेटर फॉर द ओवा एंड पैरासाइट्स माइक्रोस्कोपी एम सी क्यू नंबर फोर स्टूल फॉर ओवा एंड पैरासाइट कैन बी फिक्स बाय कलेक्टिंग इन अगर स्टूल को कौन से केमिकल में कलेक्ट किया जाए तो जो ओवा और सिस्ट है पैरासाइट का वो फिक्स हो सकता है ऑप्शन आर ए वाटर बी अल्कोहल सी फॉर्मलिन डी एसेटिक एसिड एंड द राइट ऑप्शन इज फार्मालीन स्टूल फॉर ओवा एंड पैरासाइड कैन बी फिक्स बाय कलेक्टिंग इन फार्मालीन ऑप्शन नंबर सी एम सी क्यू नंबर फाइव इज सीमीफॉर्म स्टूल शुड बी एग्जामिड विद इन ब्लैक सीमीफॉर्म स्टूल को कितने टाइम में एग्जामिन करना चाहिए दर ए टेन मिनट्स बी फोर्टी मिनट्स सी सिक्सटी मिनट्स डी थर्टी मिनट्स एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी सीमीफॉर्म स्टूल शुड बी एग्जामिंडिक्सटी मिनट्स एम सी क्यू नंबर सिक्स इज स्टित स्टूल आर ब्लैंक स्टिथुरिया स्टूल वो स्टूल होता है जिसमें बहुत ज्यादा फैट आता है फेट की ऑब्जॉर्बेशन जब ठीक नहीं होती तो ये स्टूल में आना शुरू हो जाता है सो so, स्टित का स्टूल जो है वो किस तरह का होता है ऑप्शन नंबर ए स्माइल इन अमाउंट बी फाउल इन स्मेलिंग सी हार्ड डी ए एंड बी इज राइट

वायरल इन्फेक्शन डी सेप्स एंड द राइट ऑप्शन इज सीलिय डिजीज पेस्टिस्टूल्स आर ड्यू टू हाई फैट कॉन्टेंट्स एंड सीन इन सीलिय डिजीज सीलिय डिजीज एक आटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें ग्लूटिन प्रोटीन जब पेशेंट खाता है तो उसके अगेंस्ट इम्यून रिएक्शन होता है और इंटेस्टाइनल डैमेज होता है तो इसे सिलियक एक डिजीज कहा जाता है तो इसमें जो स्टूल होता है वो पेस्टी लाइक हो जाता है एम सी क्यू नंबर एट इज स्माल राउंड हार्ट स्टूल आर ड्यू टू ब्लैंक स्माल राउंड और सख्त स्टूल किस वजह से होते हैं ए प्रोस्टाटाइटिस बी यू टी आई सी किडनी फेलोर डी कॉन्स्टिपेशन एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी स्मॉल राउंड हार्ट स्टूल आर ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन कब्ज की वजह से MCQ नंबर नाइन इज बाय ब्लैंक अकल ब्लड कहा जाता है छुपे हुए खून को वो ब्लड जो आंखों से नजर ना आए लेकिन जो टेस्ट है जिसके लिए अकल ब्लड किया जाता है या माइक्रोस्कोपी से वो नजर आ जाए तो मोस्टली जो रिएजेंट इसके लिए यूज होता है अकल ब्लड के लिए तो वो किस चीज़ के बेस पे काम करता है और वो किस तरह से ऑक्सीडाइज होता है किस वजह से ऑक्सीडाइज होता है तो ऑप्शनज आर ए सोडियम बी हाइड्रोजन पराक्साइड सी कैल्शियम डी पोटाशियम एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी द टेस्ट फॉर अकल ब्लड आर बेस्ड अप ऑन द रिएजेंट इज ऑक्सीडाइज बाय हाइड्रोजन पराक्साइड एम नंबर टेन इज द मोस्ट कॉमनली यूज रिएजेंट इन अकल ब्लड इज जो अकल ब्लड के लिए सबसे कॉमन रिएजेंट यूज होता है वो कौन सा है ऑप्शन नंबर ए बेंजीडीन बी बेनेडिक्ट्स सी फोचेट्स डी रोथरास एंड राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए द मोस्ट कॉमनली यूज रिएजेंट इन अकल ब्लड इज बेंजेडीन एमसीक्यू नंबर इलेवन इज फोर ग्राम बेंजीडीन पाउडर डिजॉल्व इन हंड्रेड एम एल ऑफ वॉट चार ग्राम बेंजीडीन पाउडर हंड्रेड एम एल कौन से केमिकल में हम डिजोल्व करते हैं ऑप्शंस आर ए वाटर बी डिस्टल वाटर सी ग्लेशियल एसेटिक एसिड डी क्लोरोफार्म एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी फोर ग्राम बिंजिन पाउडर डिजोल्व इन हंड्रेड एम एल ऑफ ग्लेशियल एसेटिक एसिड एमसी क्यू नंबर ट्वेल्व स्टूल स्पेसिमन शुड बी फ्रेश एंड मस्ट नॉट बी कंटेमिनेटेड विद ब्लैंड स्टूल स्टूल्सपेसिमन हमेशा फ्रेश होना चाहिए और वो किस चीज के साथ कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए क्योंकि माइक्रोस्कोपी में फिर बहुत ज्यादा मसला आएगा दी ऑप्शन आर ऑप्शन नंबर ए डिटर्जेंट्स बी सॉयल सी वाटर डी क्रीम एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए डिटर्जेंट्स थर्टीन नंबर एम सी क्यू इज़ नॉर्मल सिलाइन जीरो पॉइंट एट फाइव परसेंट इज यूज फॉर रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ ब्लैंक नॉर्मल जो 0.85 यूज होता है तो ये किस चीज के रूटीन एग्जामिनेशन के लिए यूज होता है ऑप्शन बी स्टूल स्पेसिमन, डी आईस स्पेसिमन एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी स्टूल स्पेसिमन। एम सी क्यू नंबर फोर्टीन आयोडीन इज यूज टू एग्जामिन द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैंक आयोडीन हम किस चीज के एग्जाम एग्जामिन करने के लिए यूज करते हैं कि उसमें हम न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जो है उसको एग्जामिन कर सकें तो वो किस चीज के लिए होता है दी आर ए सेल्स बी सिस्ट्स सी ओवा डी लार्वा एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी सिस्ट्स एमसीक्यू नंबर 15 इज यूजिंग एन आयोडीन सोलूशन द क्रोमाटीन ग्रेन्यूल्स एंड केरियोसॉम्स ऑफ न्यूक्लियाइस स्टेन ब्लैंक आयोडीन सॉल्यूशन जब हम यूज करते हैं तो किस चीज का क्रोमाटीन ग्रेन्यूल जो है और कैरियोसोम का जो न्यूक्लिया है वो किस तरह से स्टैंड लेता है कलर किस तरह से लेता है दी आर ए येलो बी ब्राउन सी ग्रीन डी पर्पल एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी ब्राउन यूजिंग एन आयोडीन सोल्यूशन द क्रोमाटीन ग्रेन्यूल्स एंड कैरियोसोम ऑफ न्यूक्लियाई स्टेन ब्राउन एम सी क्यू नंबर सिक्सटीन जो है सर्जन स्टेन इज यूज टू स्टैन द्रोमेटिक बार्स ऑफ व्हाट? सर्जन स्टेन हम किस चीज के स्टेन के लिए यूज करते हैं जिसमें क्रोमेटिक बार किस चीज के जो है वो स्टेन होते हैं तो ऑप्शन है ए सिस्ट बी ओवा सी लारवा डी स्पोर एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए सिस्ट सेवनटीन नंबर एम सी क्यूज ट्रिपल फॉस्फेट क्रिस्टल आर नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ व्हाट? ट्रिपल फॉस्फेट क्रिस्टल जो हैं ये किस चीज़ के नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट होता है नॉर्मल जूस नॉर्मल नॉर्मल आप लें कि एक नॉर्मल अज्जा में से किस चीज़ का ये होता है ठीक है कौन से सैंपल का ए यूरिन बी सी एस एफ सी स्टूल डी फ्लोरल फ्लूड एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी याद रखें कि ट्रिपल फॉस्फेट क्रिस्टल स्टूल का एक नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट है लेकिन यूरिन में ये हमेशा स्टोन को इंडिकेट करता है लेकिन स्टूल में जब यह आता है तो अक्सर अवकात वेजिटेबल की ज़्यादा खुराक की वजह से या फाइबर रिच खुराक की वजह से ट्रिपल फॉस्फेट क्रिस्टल स्टूल में नॉर्मली आते हैं लेकिन यूरिन में यह हमेशा स्टोन को इंडिकेट करते हैं एम सी क्यू नंबर एटीन इज इन स्टूल कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल आर यूजअली सीन एज ब्लैंक ए लीफ लाइक बी शीव सी फ्लावर्स डी क्रिस्टल लाइक इन स्टूल कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल आर यूजअली सीन एज दिन इज बी शीवस जो राइट ऑप्शन है वो है शीव्स ठीक है नाइनटीन नंबर एम सी क्यू इज इन फीसेज न्यूट्रल फैट्स फीसेज में जो न्यूट्रल फैट होता है वो किस तरह से नजर आता है ऑप्शन आर ए ऑयली ग्लोब्यूल्स बी वैक्यूल्स सी कलरलेस डी ट्रांसपेरेंट एंड दाइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर एयली ग्लोब्यूल्स ट्वेंटी एम सी क्यू इज न्यूमरस पथसेल इन यूरिन एंडिकेट्स ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन बी वायरल इंफेक्शन सी एस एल ई डी लिवर प्रॉब्लम न्यूम्रसपथ सेल यूरीन में आएंगे तो इन चार चीजों में से किस चीज को इंडिकेट करेंगे एंड दी ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए न्यूम्रसपथ सेल इन यूरिन इंडिकेट्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑलवेज एमसीक्यू नंबर 21 वन इज मोर देन फाइव एपीटीरियल सेल्स इन यूरिन इंडिकेट पांच से ज़्यादा एपिथेलियल सेल्स होंगे यूरिन में तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं ए डिहाइड्रेशन बी स्ट्रेस सी पायलोनीफ्राइटस डी फीवर एंड द राइट ऑप्शन इज पायलोनीफ्राइटस याद रखें पायलोनीफ्राइटस किडनी इन्फेक्शन है जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से होता है कई बैक्टीरियास की वजह से हो सकता है और इसमें मोस्टली जो किडनी है उसके अंदर पस फॉर्मेशन पस बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से एम सी क्यू नंबर ट्वेंटी टू इज एमार्फस यूरेट मेनली कम्स इन यूरिन इन विच कंडीशंस ए अल्कलाइन पी एच बी न्यूट्रल पी एच सी एसिडिक पी एच डी स्लीपिंग सिकनेस एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी एसिडिक पी एच एमार्फस यूरेट्स मेनली कम्स इन यूरिन इन एसिडिक पी एच ट्वेंटी थर्ड नंबर एम सी क्यूज बिक्टीरिया इन यूरिन इंडिकेट्स अगर बैक्टीरिया यूरिन में आएंगे तो ये किस चीज की निशानदही करते हैं ए इन्फेक्शन बी ब्लड सी हेपेटाइटिस डी ब्लड कैंसर एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए इट विल इंडिकेट बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्वेंटी फोर्थ नंबर एम सी क्यूज ये सेल्स इन यूरिन इंडिकेट्स अगर यूरिन में ये सेल आएंगे तो ये किस चीज़ की निशानदेही करते हैं A, ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन बी वायरल इन्फेक्शन सी पैरासिटिक इन्फेक्शन डी फंगल इन्फेक्शन एंड राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी फंगल इन्फेक्शन एम सी क्यू नंबर ट्वेंटी फाइव इज पैरासाइट इन यूरिन सीन माइक्रोस्कोपिकली इज जो पैरासाइट यूरिन में नजर आता है तो वो कौन सा है ऑप्शन नंबर ए डेंगी बी ट्राइकोमोनास वेजिनेल सी मलेरिया डी स्रिस एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी ट्राइकमोनास वेजिनेलिस पेरासाइट विच कैन बी सीन इन यूरिन माइक्रोस्कोपिकली एम सी क्यू नंबर ट्वेंटी सिक्स विच ऑफ दंडीशन इज कंसर्न विद इनक्रीज आरबीसीज इन यूरिन जब ज्यादा आरबीसी यूरिन में आएंगे तो किस चीज की निशानदही करते हैं ये ऑप्शन आर यस्ट इन्फेक्शन बी इन लार्ज प्रोस्टेट सी वायरल इन्फेक्शन डी सेप्स एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी इन लार्ज प्रोस्टेट एमसीक्यू नंबर ट्वेंटी सेवन इज स्पर्म इन यूरिन कम्स ड्यू टू यूरिन में अगर स्पर्म जाएंगे तो किस चीज की निशानदही ये करते हैं किस वजह से इस तरह से होता है ऑप्शन नंबर ए प्रोस्टेटाइटिस बी यू टी आई सी किडनी फेल्योर डी ब्लेडर इन्फेक्शन एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए प्रोस्टेटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एमसीक्यू नंबर 28 इज एमार्फस फास्फेट इन यूरिन इंडिकेट्स अगर यूरिन में इमारफस फास्फेट आएंगे तो ये किस चीज की निशानदेही करते हैं आर ए एसिडिक यूरिन बी अल्कलाइन यूरिन सी न्यूट्रल पी एच डी सेप्टीसीमिया एंड राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी अल्कलाइन यूरिन

एम सी क्यू नंबर थर्टी इज यूरोनाइटल इन्फेक्शन काज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिफ्टीन परसेंट ऑफ मेल वट यूरोजोनाइटल इन्फेक्शन अगर मेल में होगा तो पंद्रह फीसद मर्दों में जब यूरनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया की वजह से तो क्या काज होता है क्या काज हो सकता है ऑप्शन नंबर ए डिजीज बी इन्फ्लेमेशन सी कैंसर डी इन्फर्टिलिटी एंड द राइट ऑप्शन इज इनफर्टिलिटी थर्टी वन नंबर एमसी की यूरिन स्ट्रा कलर ड्यू टू यूरिन का जो हल्का सा येलो कलर होता है स्ट्रा कलर यह किस वजह से होता है ऑप्शन नंबर ए यूरोक्रोम बी किटोन्स सी बिलरोबीन डी आरबीसी एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए यूरोक्रोम नॉर्मली द यूरन स्ट्रा कलर ड्यू टू यूरोक्रोम जो कि एक पिगमेंट है थर्टी टू नंबर एन सी इज ब्लैक ऑफ ब्लैंक ब्लैक कलर वजह से आता है A number option, creatinine, B, inflammation, C, जो कि एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें मोस्टली फिनाइल इलेनिन या जो टायरोसिन है उसकी मेटाबॉलिज्म ठीक तरह से नहीं होती और एक एसिड जो कि होमोजेनेस्टिक एसिड कहलाता है उसकी टिश्यूज़ में फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से यूरिन जो है वो ब्लैक हो जाता है और डियर वीवर्स याद रखें कि जो माओग्लोबिन है जब मसल्स की बहुत ज़्यादा ब्रेक ब्रेक डाउन होती है और वो भी यूरिन में आना शुरू हो जाए तो उस वजह से भी यूरिन जो है उसका कलर ब्लैक हो जाता है डियर वीवर्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक like करना मत भूलिए अभी इसी टाइम पर लाइक like करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें एम सी क्यू नंबर थर्टी थ्री इज़ नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज़ नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की क्या है ए 1.01 टू 1.011, बी 1.02, 1.20 टू 1.25, सी 1.111 to 1.321 D 1.010 to 1.025 and the right option is option number D normal specific gravity of urine is 1.010 to 1.025 नंबर डी नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज़ वन पॉइंट जीरो जो एम सी क्यू नंबर थर्टी फोर है उसमें है नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट रेंजज़ बिटवीन ब्लैंक एम एल पर डे नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट जो है कितना यूरिन एक्सक्रीट करते हैं डेली हम ठीक है तो वो कितना एम पर डे होता है ऑप्शन नंबर ए 500 से 700 बी right 1000 से 1500 सौ पर डे सी लेस देन 500 डी 3000 टू 5000 थाउजेंड पर डे एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 1000 थाउजेंड टू फिफ्टीन फिफ्टीन हंड्रेड पर डे नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट रेंजेस बिटवीन

एजोस्पर्मिया एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी पोली यूरिया एम सी क्यू नंबर थर्टी सिक्स इज अन आउटपुट लेस देन फाइव हंड्रेड एम एल पर डे अगर यूरिन की एक्सक्रीशन लेस देन फाइव हंड्रेड एम एल पर डे हो तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं ए एनूरिया बी पोली यूरिया सी ओलिगो यूरिया डी Infertility and the right option is option number C, oliguria. Okay, the pH of urine may range from urine ka normal pH kitna hai A, 4.5 to 8, B, 9 to 10, C, 10 to 12, D, 4 to 5, and the right option is option number A, 4.5 to 8. MCQ number 38 is नॉर्मली वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन ब्लैंक मिलीग्राम पर डे इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन कितना प्रोटीन पर डे के हिसाब से एक्सक्रीट होता है डेली दर ए फाइव हंड्रेड बी वन थाउजेंड सी हंड्रेड डी ट्वेल्व हंड्रेड एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी हंड्रेड तो हंड्रेड मिलीग्राम पर डे प्रोटीन जो है वो यूरिन में एक्सक्रीट होता है ओके okay, 39 नंबर एम सी क्यू इज़ दी रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज इज़ ब्लैंक मिलीग्राम पर्सन रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज से क्या मतलब है कि अगर ब्लड में कितना ग्लूकोज होगा तो ये यूरिन से एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा किडनी पर रीनल थ्रेशोल्ड से मतलब ये है कि एक ख़ास हद होती है किडनीज की भी कि वो एक चीज़ को दोबारा से एब्जॉर्ब करता है लेकिन जब रिनल थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाता है तो फिर किडनी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और वो यूरिन में एक्सक्रीट करना शुरू कर देता है तो ग्लूकोज के लिए नॉर्मल जो रिनल थ्रेशोल्ड है किडनी का वो कितने मिलीग्राम परसेंट है ये ऑप्शनज आर 250, बी 80, सी 50, डी 180 एटी एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी 180. ओके okay, 40 नंबर एम सीक्यू इज मेजर काज ऑफ ग्लाइकोसोरिया अगर यूरिन में ग्लूकोज आएगा तो इसकी बड़ी वजह क्या है ऑप्शन नंबर ए डिजीज बी इंफ्लामेशन सी कैंसर डी डायबिटीज मेलाइटस एंड द मेजर काज ऑफ ग्लाइकोसूरिया ऑप्शन नंबर डी डायबिटीज मेलाइटस ओके फोर्टी वन नंबर एम सीक्यू इज वेन बेनेडिट्स क्वालिटेटिव रियजेंट इज हीटेड विद यूरिन ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरन रिड्यूस क्यूप्रिकाइन्स प्रेजेंट इन द रिएजन टू ब्लैंक आइन्स जब बेनेडिक रिएजन को हीट किया जाता है यूरिन के साथ तो ग्लूकोज में जो प्रेजेंट होता है यूरिन में तो वो उसमें जो क्यूप्रिक आइन्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं ठीक है इन टू विच आइंस ऑप्शन आर ए क्यूप्रिक बी क्यूप्रस सी फेरस डी फेरिक एंड द राइट ऑप्शन इज एक तो स्टारवेशन में डिटेक्ट किया जाता है दूसरा किस कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्ट किया जाता है कीटोन बॉडीज को इन यूरिन ऑप्शन इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन बी किडनी इन्फेक्शन सी डायबिटिक कीटो एसिडोसेज डी कैंडिडियज एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी डायबिटिक कीटो एसीडोसिस एमसीक्यू नंबर फोर्टी थ्री इज प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन इज कार्ड यूरिन में अगर ब्लड आएगा तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं ए हिमाचोरिया, बी पायूरिया सी गनोरिया डी हीमोग्लोबिनोरिया। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए हिमाचोरिया प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन इज कॉल्ड हिमाचोरिया। 44 नंबर एम सी इज बाइल पिगमेंट्स आर ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स ऑफ ब्लैंक एक्सक्रीटेड इन बाइल बाइल पिगमेंट जो है ये किस चीज के बाय ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होते हैं जो कि बाइल में एक्सक्रीट होता है दप्शंस आर ए यूरिक एसिड बी किटोम्स सी हीमोग्लोबीन डी डायबिटीज एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी हीमोगलोबीन बाइल पिगमेंट्स आर ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स ऑफ हीमोगलोबीन एक्सक्रीटेड इन बाइल फोर्टी फाइव नंबर एम सी क्यू इज बाइल साल आर मेड इन दिवर फ्रॉम कोलेस्ट्रोल एंड दिज हेल्प इन द्लेंक एब्जॉर्प्शन बाइल साल जो हैं ये लेवर में बनते हैं कोलेस्ट्रोल से और ये किस चीज के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट बी प्रोटीनस सी फैट डी वाइटामस एंड दाइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी इट हेल्प्स इन फैट एब्जॉर्बन एम सी क्यू नंबर फोर्टी सिक्स यूरोबाइलिनोजन इज फॉर्म्ड इन दी इंटस्टाइन बाई बरिया एक्शन ऑन ब्लैंक यूरोबाइलिनोजन जो है ये इंटस्टाइन में बनता है और इस पर बैक्टीरिया जो है वो एक्शन करता है लेकिन किस चीज पर एक्शन करता है जिसकी वजह से यूरोबिलिनोजन जो है वो बनता है दप्शन आर ए बाइल बी बलोरोबिन सी लेवर डी ब्लड राइट ऑप्शन इज बिलेरोबिन यूरोबिलिनोजिन इज फॉर्मड इन दी इंटेस्टाइन बाई बिलेरोज मोस्ट केमिकल टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी लुक फॉर प्रेजेंस ऑफ बीटा सब यूनिट ऑफ ब्लैंक जो यूरिन में प्रेगनेंसी के लिए टेस्ट किया जाता है तो उसमें बीटा सब यूनिट किस चीज का पता लगाते हैं कौन से हार्मोन का ऑप्शन आर पी एस ए बी सी ए सी एच सी जी डी सी एंड द राइट ऑप्शन इज एच सी जी फोर्टी एट नंबर रोथ्रास टेस्ट इन यूरिन इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ यूरिन में रोथरा टेस्ट किस चीज के डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है ऑप्शन आर ए फल्स बी कैट्स सी प्रोटीन्स डी कीटोन बॉडीज द राइट ऑप्शन इज कीटोन बॉडीज रोथ्रास टेस्ट इन यूरिन इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ किटोन बॉडीज फोर्टी नाइन नंबर एम सी क्यूज फोचर्ट इन यूरिन इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ वॉट फोचर्ट्स टेस्ट जो एक मैनुअल टेस्ट है यूरिन में किया जाता है किस चीज के डिटेक्शन के लिए ऑप्शन ए बायल पिगमेंट बी क्रिस्टल्स सी प्रोटीन्स डी यूस्ट सेल एंड दाइट ऑप्शन इज ए बायल पिगमेंट फोच टेस्ट इन यूरिन इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ बायल पिगमेंट लास्ट नंबर एम सी क्यू इज हेस टेस्ट इन यूरिन इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ वाट यूरिन में हेज टेस्ट किस चीज के डिटेक्शन के लिए किया जाता है ए यूरोबिलोजन बी इन्फ्लेमेशन सी स्पर्म्स डी बायल साल्ट एंड द राइट ऑप्शन इज बायल साल्ट थैंक यू सो मच डियर व्यूवर्स ये वीडियो देखने के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए ये पार्ट वन था पार्ट टू जो फ्लूट्स के बारे में होगा बहुत जल्दी आप सब, सब 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 लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगा तो चैनल पर वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर करते रहें ताकि वो भी इस चीज़ से मुस्फ़द हों अपना बहुत सारा ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़